वेलकम होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर। फ्रेंड्स, मेरा नाम सैफ राणा है, मैं आज सऊदी में काम कर रहा हूँ। इससे पहले दुबई, बहरीन और दोहा कतार में भी काम किया था। फ्रेंड्स, आप सारी जानकारी ले रहे हैं रिसेप्शन के चैनल पर, कुलिनरी से रिलेटेड जो भी है। अगर आपको होटल और होटल के जो जॉब्स है कैसे ले हम उसकी नॉलेज चाहिए तो आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं और देख सकते हैं। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सैफ के चैनल पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुलिनरी आर्ट रिसर्च। तो अपने इस न्यू वीडियो में सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सूप्स, विच इज़ आ चैप्टर 8। तो इसमें हम जानेंगे सूप के बारे में, उसके प्रिपरेशन के बारे में, व्हाई द सूप्स आर इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूप्स विच वी हैव। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट अंडरस्टैंडिंग सूप। तो अंडरस्टैंडिंग सूप, क्लियर सूप्स आर ऑल बेस्ड ऑन क्लियर अनथिकेंड ब्रोथ और स्टॉक। तो जितने भी क्लियर सूप्स होती हैं ये सभी जो हैं क्लियर होती हैं, ये थिन होती हैं या फिर स्टॉक इनका जो है बेस की तरह वहाँ पर यूज़ करता है। ब्रोथ एंड बॉलन, ये क्या है कि सिंपल क्लियर सूप विदाउट सॉलिड इंग्रेडिएंट। एक ऐसा सूप होता है जो कि सिंपल सा सूप होता है जिसके अंदर ज़्यादा सॉलिड इंग्रेडिएंट नहीं होते। वेजिटेबल सूप, इट इज़ आल्सो अ क्लियर सीजनड स्टॉक और ब्रोथ विद द एडिशन ऑफ वन और मोर इस वेजिटेबल। तो एक ऐसा स्टॉक होता है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वेजिटेबल्स होते हैं, इसलिए उसको वेजिटेबल सूप कहते हैं। और कभी कभी इसके अंदर हम मीट या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कंज्यूमे, कंज्यूमे इज़ अ रिच फ्लेवरफुल स्टॉक और ब्रोथ दैट हैज़ बीन क्लेरिफाइड टू मेक इट परफेक्टली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। तो ये एक रिच और फ्लेवरफुल स्टॉक होता है जिसको हम दैट हैज़ बीन क्लेरिफाइड टू मेक इट परफेक्टली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट इज दिस थिक सूप, ओपेक सूप थिकेंड ईदर बाय एडिंग एस थिकनिंग एजेंट सच एज रॉक्स और बाय पोरिंग वन और मोर ऑफ देयर इंग्रेडिएंट। तो थिक सूप जो है वो सिंपली वो बनाए जाते हैं बाय एडिंग थिकनिंग एजेंट, जैसे कि रॉक्स डाल दिया या फिर कोई प्योरिंग एजेंट प्योरिंग डाल दी उसमें, है ना। तो देन वी कैन मेक द थिक सोप। क्रीम सोप, सूप क्या होते हैं, दीज आर थिकेंड विद द रॉक्स ब्यूरेमेनी लेजन और अदर एडेड थिकनिंग एजेंट। तो ये सारी चीज़ डाल के हम क्रीम सूप बनाते हैं और इसमें कभी कभी दूध और क्रीम भी ऐड करते हैं। प्योरे, दिस इज़ नेचुरली थिकेंड बाय प्योरिंग और मोर ऑफ इंग्रेडिएंट। तो ये जो है नेचुरल थिकेंड मतलब कि ये नेचुरल चीज़ों से मिला मिक्स करके इसको थिकनिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट इज बेसिक थिकेंड सूप मेड फ्रॉम द सेल्फिश एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज फिनिश्ड विद अ क्रीम। तो यहाँ पर थिकेंड सूप होती हैं यानी कि थिक लेयर्ड सूप होती हैं जिनको हम सेल्फिश से बनाते हैं और ज़्यादातर उसके अंदर हम क्रीम भी डाल देते हैं जिससे कि एक फिनिशिंग आए उसमें। तो बेसिक टर्म का मतलब है समटाइम्स अ मार्केटिंग टर्म रादर देन अ टेक्निकल टर्म। तो कभी कभी इसको हम मार्केटिंग टर्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं रादर देन द टेक्निकल टर्म। चौडार, इट इज़ अ हार्टी सूप, ये एक हार्टी सूप होती है जिसको हम फिश सेलफिश या फिर वेजिटेबल से बनाते हैं। चौडार के अंदर ज़्यादातर दूध और पोटैटोज होता है। नेक्स्ट इज पोटेज, पोटेज एक ऐसा टर्म है जिसको हम जोड़ते हैं विद अ थिक हार्टी सूप, लेकिन कभी कभी इसको एक जनरल टर्म की तरह भी यूज़ करते हैं फॉर द सूप। अ क्लियर सूप इज कॉल्ड अ पोटेज क्लियर इन फ्रेंच। तो फ्रेंच में एक क्लियर सूप को पोटेज क्लियर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इज स्पेशलिटी एंड द नेशनल सूप्स, कौन कौन सी होती हैं। स्पेशलिटी सूप्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय अनयूजुअल इंग्रेडिएंट्स और मेथड्स। तो ये जितने नाम लिखे हैं टर्टल सूप, गुम्बो, पीनट सूप, कोल्ड फ्रूट सूप, ये सभी जो हैं स्पेशल या फिर नेशनल सूप्स होती हैं। नेक्स्ट इज वेजिटेरियन सूप एंड लो फैट सूप। तो कुछ ऐसी सूप होती है विच विच बिकॉज हमारी सोसाइटी में देखो हर तरह के लोग रहते हैं, कुछ को लो फैट सूप चाहिए, कुछ को नॉन वेज चाहिए, कुछ को वेजिटेरियन चाहिए, कुछ को हाई फैट चाहिए, किसी किसी को लेस शुगर वाली सूप चाहिए। तो हर तरह के लोगों के लिए हर तरह की सूप अवेलेबल होती है होटल्स और रेस्टोरेंट में। तो वेजिटेबल सूप जो है
फॉर वेगेंस, जितने वेगेंस आर दोज पीपल हु आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो वेजिटेबल सूप्स आर ऑल आर मेड फॉर दोज वेगेंस, दे कंटेन नो मीट, उसके अंदर कोई मीट या एनिमल प्रोडक्ट नहीं होता है, ओनली द वेजिटेबल्स दैट इज प्लांट प्रोडक्ट इज देयर इन दैट टाइप ऑफ वेजिटेबल वेजिटेरियन सूप और लो फूड फैट सूप. मस्ट बी मेड विद द वाटर और वेजिटेबल स्टॉक टू बाइंड थिक सूप. तो इसमें क्या करते हैं कि वेजिटेबल स्टॉक लेते हैं और थिक और पानी लेते हैं, उनको मिक्स करते, देन दे फॉर्म द थिक सूप. ठीक है, तो दिस वॉज द थिंग. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड पोर्शन साइजेस, कि कौन कितने, ये जो है मतलब कुछ स्टैंडर्ड पोर्शन जो साइज होता है कितना स्टैंडर्ड है. जैसे एपेटाइजर है, मेन कोर्स पोर्शन है, तो एपेटाइजर का 6 to 8 OZ होगा, यानी कि 200 से 250 ml ये एपेटाइजर पोर्शन का ये वो होता है, साइज होता है. मेन कोर्स पोर्शन का 300 से 350 ml होता है. टेम्परेचर, सर्व द हॉट सूप हॉट इन हॉट कप्स और बाउल्स, कि हॉट सूप को हॉट वाली चीज़ों के अंदर सर्व किया जाता है, ठंडी चीज़ों के अंदर सर्व किया जाता है, तभी वो टेस्टी, उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर, उसका एक स्वाद, वो सारी चीज़ें तभी आती है जब कोई चीज़ ऐसी है, जब मान लो कोई हॉट सूप है तो उसको हॉट वाली चीजों में ही करा जाता है, कोल्ड है तो कोल्ड में किया जाएगा, अपोजिट नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज हीट स्मॉल बैचेस फ्रीक्वेंटली टू रिप्लेनिश द स्टीम टेबल विद द फ्रेश सूप, कि जो भी क्या करना है कि आपको क्या करना है कि रिप्लेनिश करना है द स्टीम टेबल विद द फ्रेश सूप. फॉर कंज्यूम वेजिटेबल गार्निश इज हीटेड सेपरेटली एंड एडेड एट द सर्विस टाइम. सो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट इज गार्निश. सूप गार्निशेज में भी डिवाइड इनटू, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक है गार्निशेज इन द टॉप सूप, इन द सूप टॉपिंग्स एंड अकम्पनीमेंट, तो ये तीन चीज़ें हैं जिसमें डिवाइड किया. नेक्स्ट इज ब्रोथ. ब्रोथ और स्टॉक के बीच में डिफरेंस होता है कि ब्रोथ को मीट और वेजिटेबल की शिमरिंग करने के बाद बनाया जाता है और स्टॉक को बोन्स एंड वेजिटेबल्स की शिमरिंग के बाद बनाया जाता है. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द ब्रोथ एंड द स्टॉक इज कि हैज़ अ ब्रोथ हैज़ मोर प्रोनाउंस्ड फ्लेवर, मीन्स द ब्रोथ के अंदर पोल्ट्री या फिर मीट का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर होता है, जबकि स्टॉक के अंदर जिलेटिन का कंटेंट ज़्यादा होता है. कंज्यूमी, कंज्यूमी का मतलब होता है कंप्लीटेड या फिर कंसनट्रेटेड. कंज्यूमी एक स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड स्टॉक होता है. एंड रूल नंबर 1 फॉर प्रिपेयरिंग द कंज्यूमी इज दैट कि स्टॉक या फिर ब्रोथ, इनको पहले स्ट्रॉन्ग रिच एंड फुल फ्लेवर्ड होना होता है. सो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन इज द सेकेंड इन इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेंथ, यानी कि कंज्यूमी को बनाने के लिए जो है बनाने के लिए क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग रिच और फुल फ्लेवर उसमें होना चाहिए, अच्छा खासा कंसनट्रेशन होनी चाहिए जो भी चीज़ उसमें डाल रहे हो. नाउ हाउ द क्लैरिफिकेशन वर्ड्स. प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन्स हो गए, ये कोल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है. जब पानी को हीट करते हैं तो वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई करता है, सॉलिडिफाई ग्रेजुअली सॉलिडिफाई और कोएगुलेट एंड राइज टू द सरफेस. दीज प्रोटीन कलेक्ट ऑल द टाइनी पार्टिकल दैट क्लाउड अ स्टॉक एंड कैरी देम टू द सरफेस. द स्टॉक इज देन लेफ्ट परफेक्टली क्लियर. तो इस तरीके से सबसे पहले गर्म करेंगे पानी को, फिर उसके अंदर देन ग्रेजुअली सॉलिडिफाइड कोएगुलेट राइज टू द सरफेस, कि उसके अंदर जो हमने प्रोटीन डाला है वो धीरे धीरे कोएगुलेट करने के बाद सरफेस पे आएगा. देन प्रोटीन को हम टाइनी पार्टिकल जितने भी उनको कलेक्ट करेंगे और सरफेस पे लाएंगे और इस तरीके से स्टॉक हमारा क्लियरली विजिबल होगा. नाउ बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसके. बेसिक इंग्रेडिएंट इसके हैं कि वी यूज टू क्लेरिफाई अ स्टॉक इज कॉल्ड द क्लियर मीट और द क्लैरिफिकेशन. कि चार चीज़ें हैं, लर्न ग्राउंड मीट, एग वाइट, मेरापॉक्स, एसिड इंग्रेडिएंट. तो ये चार चीज़ें जो हैं इनको मिलाया जाता है, इनको ऐड किया जाता है और तब हमारा जो है स्टॉक एकदम क्लैरिफाई हो जाता है. नाउ द प्रोसीजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंज्यूम. तो कंज्यूमी का प्रिपरेशन की कुछ तीन स्टेप यहाँ पर बताए हैं. सबसे पहले क्या करना है, स्टॉक को अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको क्लैरिफाई करना है एंड फिर उसको जो है बर्नर के ऊपर रखना है जिससे कि उसको गर्म किया जा सके.
एंड देन द रेफ्ट बिगिंस टू राइज टू द टॉप. अब फिर उसके अंदर जितना रेफ्ट है वो ऊपर की तरफ आने लगेगा सरफेस पे, और उसके बाद जो रेफ्ट है उसको कम्प्लीटली जब वो पूरी तरह से बन जाता है तो कंज्यूम विल कंटिन्यू टू सिमर फॉर 1.5 आवर. तो ये तीन स्टेप के थ्रू सबसे पहले क्या करना है, उसको मिक्स करना है इंग्रेडिएंट्स को, फिर उनको बर्नर पे रखना है गर्म करने के लिए. उससे क्या होगा, रेफ्ट आएगा ऊपर, रेफ्ट जब पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो कंज्यूम को शिमरिंग करनी है 1.5 घंटे तक. नेक्स्ट है वेजिटेबल सूप की गाइडलाइंस कि वेजिटेबल सूप को कैसे बनाना है. सबसे पहले स्टार्ट करना है हमें स्टॉक के थ्रू, स्टॉक जो कि एक फ्लेवरफुल स्टॉक होता है. फिर उसके अंदर वेजिटेबल सेलेक्ट करने जिनका हमें एक साथ फ्लेवर चाहिए, है ना. तो सबसे पहले हमें क्लियर और फ्लेवरफुल स्टॉक चाहिए, दूसरा वेजिटेबल्स चाहिए, तीसरा वेजिटेबल्स को एकदम यूनिफॉर्मली कट करना है, यानी कि ये नहीं कि छोटा बड़ा कहीं हो जाए, तो यूनिफॉर्मली कट करो वेजिटेबल्स को. चौथा स्टेप में वेजिटेबल्स को हल्की हल्की आग पर उसको कुक करना है, जिसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड भी होना चाहिए. फिर कुक स्टार्च सच एज ग्रेन और पास्ता सेपरेटली एंड ऐड टू द सूप लेटर. फिर ये जो चीज़ें हैं उनको ऐड करो बाद में. नाउ ऑब्जर्व डिफरेंसेस इन कुकिंग टाइम्स, डोंट ओवर कुक. तो ये 6-7 पॉइंट हैं. सबसे पहले स्टॉक विच इज़ द बेस, किसी भी सूप को बनाने का सबसे पहला बेस होता है, वो फाउंडेशन होती है. एंड देन हमें वेजिटेबल्स को सेलेक्ट करना है कि किन वेजिटेबल्स को डालना है और किस तरह के वेजिटेबल्स का फ्लेवर हमें चाहिए. नेक्स्ट वेजिटेबल्स को कट करो इन यूनिफॉर्मिटी, फिर वेजिटेबल्स को कुक करो हल्की हल्की आंच पर इन अ लिटिल बटर, हल्का सा बटर डाल के उसमें. फिर अलग से ग्रेन्स या कोई पास्ता को अलग से कुक करना है और फिर उसको सूप में डाल देना. एंड देयर आफ्टर वी कैन ऐड इन टू इट, और ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना. नाउ क्रीम सूप, क्रीम सूप के जो है सिंपली डाइल्यूटेड होते हैं ये बेकेमल सॉसेज होते हैं, फ्लेवर्ड विद द इंग्रेडिएंट फॉर विच दे आर नेम्ड. कि क्रीम सूप जो है ये सिंपली डाइल्यूटेड वेलेट या फिर बेकेमल सॉस होती है, जिसके जिसमें जो है हम फ्लेवर करते हैं, यानी कि जिसका जो फ्लेवर आता है, फ्लेवर्ड विद द इंग्रेडिएंट फॉर विच दे आर नेम्ड. तो थिकन अ लिक्विड विद रॉक्स, कुक और प्योरे द इंग्रेडिएंट, ऐड द मिल्क और क्रीम. तो ये तीन चीज़ें हैं, रॉक्स को, प्योरे को, या मतलब कि जो इंग्रेडिएंट है वो, और मिल्क, ये तीन चीज़ों को डालो एंड देन यू कैन मेक द क्रीम सूप. क्रीम सूप की स्टैंडर्ड क्वालिटी, थिकनेस, टेक्सचर, टेस्ट, तीन चीज़ें इसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी में होनी चाहिए. उसका थिकनेस होना चाहिए, ज़्यादा वो थिक नहीं होनी चाहिए, हैवी क्रीम ना हो ज़्यादा, स्मूथ होना चाहिए टेक्सचर, और उसमें अलग ही खुशबू आए, अलग अलग जितने उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी डिफरेंट खुशबू आनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ कर्डलिंग. कर्डलिंग में देखो क्या करना है कि तीन चीज़ें, डू नॉट कंबाइन मिल्क विद शिमरिंग, मिल्क एंड शिमरिंग द सूप स्टॉक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ रॉक्स और द अदर स्टार्च. तो ये नहीं करना है. दूसरा, ठंडे दूध को या क्रीम को शिमरिंग में नहीं ऐड करना है, बॉयल नहीं कर रहे हैं सूप को आफ्टर मिल्क और क्रीम इज़ एडेड. टेक्निक क्या है, सबसे पहले कि प्योरे सॉस बनाने की टेक्निक है, अनियन, स्वीट अनियंस, मेरे पॉक्स एंड अदर फ्रेश वेजिटेबल्स को क्या करना है, स्वेट अनियंस, मेरे पॉक्स एंड अदर फ्रेश वेजिटेबल इन अ फैट. तो सबसे पहले ये काम करना है, फिर स्टॉक ऐड करना है एंड देन स्टार्ची वेजिटेबल्स या फिर अदर रिमेनिंग वेजिटेबल्स को ऐड करना है. फिर उसके बाद प्योरे द सॉप विद द इमर्शन ब्लेंडर, अ फूड प्रोसेसर और फूड मिल. तो ये काम करना है. एंड देन लास्टली ये सब करने के बाद आपकी जो प्योरे सॉस है इट विल बी फाइनली प्रिपेयर्ड. तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट सॉसेस, डिफरेंट डिफरेंट सूप्स को, चाहे वो आपके प्योरे सॉस हो, चाहे वो आपके क्रीम सूप हो, चाहे वो वेजिटेबल सूप हो, चाहे अदर सूप हो, तो आप उनको बना सकते हो. नेक्स्ट, दिस इज़ द थिंग कि ये डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं सूप के, जिनको आप, जिनके बारे में अगर आपको जानना हो तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि हमारे शेफ़ ऋषभ कुमार सिंह जिनका कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको और डिटेल में इनके बारे में जानना हो तो. तो माय डियर फ्रेंड्स, कि ये जो चैनल है कलनरी आर्ट रिसर्च, ये आपको प्रोवाइड करता है कलनरी आर्ट से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल है उन सब की
डिटेल इन्फॉर्मेशन जिसमें आप शेफ़ ऋषभ कुमार सिंह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेसिपीज़, क्विजन्स एंड अदर थिंग्स जितनी भी कलनरी आर्ट से रिलेटेड होती हैं उन सब के बारे में आप जान सकते हैं. एंड वी हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल्स लाइक मास्टर शेफ एंड अदर लेक्चरर्स वर्किंग विद फॉर यू ऑल ऑन दिस चैनल. सो यू मे विजिट आर चैनल. इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आर चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन. थैंक यू.